बिना साबुन के आप नहाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज साबुन स्वच्छ रहने के लिए अनिवार्य वस्तु बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले साबुन कब बना, तो चलिए जानते हैं। ऐतिहासिक तौर पर साबुन को लकड़ी की राख को चर्बी के साथ मिलाकर इसे उबाल कर बनाया गया। शुरू में इसका इस्तेमाल कपड़े धोने में किया जाता था। 2800 से 600 BC तक बेबीलोनियन और फिनिशियंस ने साबुन बनाना शुरू किया। चर्बी को दो हिस्सों में ग्लिसरीन और वायायुक्त एसिड में बांटकर अल्कली की प्रक्रिया की जाती है, ताकि अल्कली में सोडियम और पोटेशियम को चर्बी या तेल के मिश्रण में मिलाया जा सके और फिर साबुन बनाया जा सके। सदियों से साबुन को पोटास और परलैस लाई के मिश्रण से बनाया गया था। दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले पोटेशियम पर आधारित थे। इसे बनाने का पहला प्रमाण पुरातन रोम में पाया गया। वहाँ पर साबुन बनाने की फैक्ट्री की खोज की गई। वहाँ के लोग नहाने और कपड़े धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते थे। इसे बनाने की प्रक्रिया के अंत में नमक मिलाया जाता था, इसी कारण यह महंगा था। हालांकि कठोर साबुन को संरक्षित करके रखना और इधर उधर ले जाना आसान था। इसे अमेरिका में बिक्री के लिए भेजा गया। आज वर्तमान में साबुन को कॉस्टिक सोडे से बनाया जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।